नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। पश्चिम बंगाल चुनाव में 80 के दशक के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती शनिवार देर रात कोलकाता पहुंचे थे। इससे साफ होता है कि वो ममता दीदी के खिलाफ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली पीएम मोदी की मेगा रैली में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार रात ट्विटर पर मिथुन के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अभी देर रात कोलकाता के बेलगाचिया में सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मिथुन दा के साथ लंबी चर्चा हुई। उनकी राष्ट्रभक्ति और गरीबों के प्रति प्रेम की कहानियां सुनकर मन गदगद हो गया। आपको बता दें कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने टीएमसी से जुड़े चिटफंड मामले के बाद संसद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से दूर हो गए। वहीं अब बंगाल में चक्रवर्ती की लोकप्रियता भाजपा का मनोबल बढ़ा सकती है। इससे पहले अनुभवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की मोदी की रैली में शामिल होने की केवल संभावनाएं लगाई जा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट के बाद ये साफ हो गया है। इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में उनके मुंबई स्थित घर पर एक बैठक की थी। विजयवर्गीय भाजपा के बंगाल प्रभारी हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि मोदी और चक्रवर्ती रविवार को कोलकाता में मिलेंगे, लेकिन चक्रवर्ती ने मोदी के मंच पर शामिल होने के बारे में सस्पेंस बनाए रखा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।